रांची के काके कोनकी में कांग्रेस मिलन समारोह में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पहुंचे। मिलन समारोह में काके विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा को जिताने पर जोर दिया गया। सभा में आए लोगों को गुलाम अहमद मीर ने कहा कि प्रत्याशी सुरेश बैठा को जिताकर विधानसभा भेजे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। भाजपा जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाई है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड का विकास कर सकती है। वही मिलन समारोह में कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाने वाले क्षेत्र के दिग्गज नेता, कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष ऐनुल हक सहित सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। मिलन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक राजेश कच्छप, जिला अध्यक्ष राकेश किरण महतो सहित सैकड़ों दिग्गज नेता शामिल रहे। 31 सीटों पर लड़ने का था, जिसमें हमने एक सीट यूनिलेटरली CPIM के विनोद सिंह जी को छोड़ दिया। जनता का प्यार मोहब्बत पिछले 20 सालों से लोग देते रहे और इस बार अति उत्साह के साथ दे रहे हैं। ये जनता का प्यार है। निश्चित रूप से माता रानी और ईश्वर की कृपा से आम जनता का हौसला बुलंद है। पिछले 25 सालों से मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए विभिन्न पदों से होते हुए मैं रांची जिला कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर रहा और उसके बाद अगर हम लोग की सियासत करते तो हमको तमाम चीज़ें मिल गया था। हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद पुनः